Okay, students, we'll start with the EV topic of PT1, that is greenhouse effect. Now, what is greenhouse effect? You have read in lower classes also. As the sun's rays enter into the earth's atmosphere, some of these rays jo hoti hain, many of them are reflected back. As you can see, they escape back into the space. Okay? And some of them are absorbed by the earth's surface, while others, as you can see, they are reflected back. These reflected rays jo hoti hain, they are trapped by some gases present in the atmosphere of the earth, all right, which results in increase in the atmospheric temperature. Ab ye jo phenomenon hai na, jisse ki earth atmosphere trap karta hai sun rays ko, due to the presence of gases, कौन सी gases, जैसे कि carbon dioxide हमारे atmosphere में present है, water vapor हमारे atmosphere में present है, methane gas is present in our atmosphere, that allows incoming sunlight to pass through but absorb the heat. वो light को तो pass कर देते हैं लेकिन heat को absorb कर लेते हैं, and जो ये heat absorb करते हैं इससे हमारा atmosphere warm रहता है, warm. ठीक है, ये आपने बहुत ध्यान में रखना है. दिस मच वार्म्थ इज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ. तो दिस प्रोसेस ऑफ द होल फिनोमिनन बाय विच द अर्थ्स एटमॉस्फियर ट्रैप सन्स रेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, जो कि हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सनलाइट में से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं टू कीप द एटमॉस्फियर वार्म, is termed as greenhouse effect. All right. अब ये जो greenhouse effect है ना, it can be compared to a greenhouse. जैसे कि आपने नर्सरी में एक देखा होता है, there is greenhouse, वहां पर बने होते हैं. बहुत ज्यादा कोल्ड कंट्रीज जो है ना, बहुत ज्यादा कोल्ड कंट्रीज, वहां पर भी ऐसे ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं जहां पर कि सन की हीट जो है, इट इज अलाउड टू गेट इन बट इट इज नॉट अलाउड टू गेट आउट. ये जो ट्रांसपेरेंट रूफ है, ट्रांसपेरेंट वॉल्स हैं, इससे सनलाइट एंटर तो कर जाती है लेकिन इट इज नॉट अलाउड टू गेट आउट, और इससे जो वो अंदर का टेम्परेचर है उसको वार्म कर देता है. ठीक है, इट वार्म्स अप द टेम्परेचर, इंक्रीजेस द टेम्परेचर इन साइड द ग्रीन हाउस. तो इससे जो यहाँ पर वेजिटेशन होती है, plants they are growing, maybe some kind of vegetables they are growing, bade bade greenhouses effect greenhouses banaye hote hain, especially in very cold countries jahan par ki conditions, atmospheric conditions aisi hoti hain ki natural way mein ya open mein crops ya fir plants ko grow karna not possible because of very low temperature. तो वहां पर जो सन की रेडिएशन होती हैं उनको ट्रैप कर इस तरह के ग्रीन हाउस में उनको ट्रैप कर लिया जाता है, उसके अंदर को अंदर का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, वार्म किया जाता है सफिशियंट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. तो ये आपने याद रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ सर्फेस वुड हैव बीन टू कोल्ड टू सस्टेन लाइफ. अगर ये सारी सन की रेडिएशन अर्थ के ऊपर फॉल करती और सारी की सारी escape कर जाती, had the atmosphere not been there around earth, fall तो जरूर करती, अगर atmosphere नहीं होता तो ये radiation trap नहीं हो पाती, इनकी warmth, इनकी heat हमें नहीं मिल पाती, और earth would have been too hot during the day and too cold during the night and thus it would not have been possible to have any kind of life, कोई प्लांट और एनिमल इसके ऊपर सर्वाइव नहीं करता. लेकिन अब इतना टेम्परेचर ये मेंटेन करते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर जो एक एवरेज टेम्परेचर है, सम 15 डिग्री टेम्परेचर, मैं एवरेज की बात कर रही हूँ, इट्स ओनली एवरेज टेम्परेचर ऑल ओवर द अर्थ, तो उससे जितनी वार्म्थ है उसके कारण प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग स्पीशीज, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर एबल टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ. इट इज बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फियर दैट द सन्स रेडिएशंस आर ट्रैप्ड एंड कीपिंग द अर्थ एटमॉस्फियर वार्म. ठीक है, लेकिन अब कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है, या कॉज ऑफ वरी ये है कि इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिन हम गैसेस की बात कर रहे हैं ना,
ये जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर मीथेन ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जब इनका अमाउंट इंक्रीज कर रहा है इन द एटमॉस्फेयर बियॉन्ड अ सर्टेन सेफ लिमिट तो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर वार्मथ से ज्यादा हो रहा है टेम्परेचर एंड दैट इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर एनवायरमेंटल इशू इन द प्रेजेंट टाइम वो क्या रहा है जब ये गैसेस जो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं मेन ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं पहले वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस उसके बाद अदर जो गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं दैट इज मीथेन देन नाइट्रस ऑक्साइड देन वाटर वेपर ये जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं ठीक है अब जब आप इनके अमाउंट देख रहे हो तो आप ये अमाउंट में चेक करोगे कि अगर अमाउंट ऑफ दीज गैसेस इज इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फियर इनकेस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज इंक्रीजिंग इन द एटमोस्फियर इट इज रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर विच इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग मेजर एनवायरमेंटल इशू है ग्रीन हाउस गैस जो है जब तक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और वॉटर वेपर ये सब सेफ लिमिट में है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज में है तब तक तो इट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज कीपिंग द अर्थ सर्फेस वॉर्म लेकिन जब ये अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट ऑफ मीथेन अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज कर रहा है स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉसिल फ्यूल्स जब हम बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है उसमें अलग अलग इश्यूज आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन जब पेट्रोल डीजल हम बर्न करते हैं फॉर कार्स एरोप्लेन्स ट्रेन एक्सेट्रा तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है इंडस्ट्रीज जो है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट स्टील आयरन केमिकल्स ये सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो होते हैं वो दे रिक्वायर फॉसिल फ्यूल्स टू बी बर्न्ड तो फिर से अगेन वो दे विल एमिट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पसेस से भी ऑलमोस्ट 9% कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड तो आप ये नोट करेंगे कि ये कितनी सारी सोर्सेस से कार्बन डाइऑक्साइड मेन इश्यूज है हमारी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मेन रिलीज हो रही है इनटू द एटमॉस्फेयर और जब ये एटमॉस्फेयर में जा रही है इट इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर फैक्टर इज दैट वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज वी आर नॉट प्लांटिंग ट्रीज वी आर नॉट रीफॉरेस्टेशन तो एक तरफ तो हम कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहे हैं जनरेट ज्यादा कर रहे हैं दूसरी तरफ हम जो ट्रीज है उनको भी कट डाउन कर रहे हैं नए ट्रीज को हम प्लांट नहीं कर रहे हैं तो आपको पता है वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट चैप्टर कि जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड तो जितने हम प्लांट्स ट्रीज लगाएंगे उतना ज्यादा दे विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विल रिमेन इन द सेफ लिमिट लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग प्लांट्स को भी और ट्रीज को भी कट करते जा रहे हैं वी आर नॉट ग्रोइंग ट्रीज ऑल्सो एंड इन सारी एक्टिविटीज के कारण हमारी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है तो ये दोनों चीजें जब हो रही हैं उसके कारण अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है जिसके कारण अर्थ वार्म थी अब वो हीट अप होने लग गई क्योंकि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई जब अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो वो ज्यादा रेडिएशंस को ट्रैप करेंगे और जब वो ज्यादा रेडिएशंस को ट्रैप करेंगे तो वार्मिंग से ज्यादा हो जाएगा यानी कि वार्मिंग से ज्यादा हीट अप हो जाएगा तो जब टेम्परेचर नॉर्मल से अबव हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और इससे क्या होगा हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होने लग जाएंगे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होंगे इसके पहले जैसे आपको पता ही है कि सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे ग्लेशियर्स है जो हमारे पोल्स के ऊपर आइस कैप्स है जिनके जिसके कारण पूरे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो रेगुलेट होता है चेक होता है
वो मेल्ट होने लग जाएंगे, और जब ये मेल्ट होंगे तो वेयर विल दे पुट द वॉटर, दे विल दैट विल मेक द वॉटर इन द सीज एंड द ओशंस टू राइज अप. सी लेवल, ओशन का लेवल हाई हो जाएगा, और जब वो हाई होगा तो उसके कारण जो कोस्टल एरियाज हैं, जो लो लाइंग एरियाज हैं, वहां फ्लड्स आएंगे, और वो धीरे धीरे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो धीरे धीरे पानी में, सी या ओशंस में सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे. तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, इट हैज बिकम अ मेजर कंसर्न वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो देयर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आल्सो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ, विल बी स्टडिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द कमिंग क्लासेस आल्सो इन डिटेल. तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, it is due to the greenhouse gases which are carbon dioxide, methane, nitrous oxide and water vapor. All right, and the earth's atmosphere is trapping sun rays due to the presence of these gases, and it is absorbing that heat of the sun to keep the atmosphere warm, and this is termed as greenhouse gas, greenhouse effect, sorry.